हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन, जो कि 2012 से लेकर 2020 तक का एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है एनपीओ, उसमें दो तरह के प्रैक्टिकल पूछते हैं। एक हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका जो सोल्यूशन है उसका वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, और दूसरा हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जितना भी इवन ईयर है, जैसे 2012, 14, 16, 18 और 2020, उस एग्जाम में पूछा गया था। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जितना भी ऑड ईयर्स है, ठीक है, 13, 15, 17, 19, उन एग्जामों में पूछा गया था। ठीक है, तो अभी जो आने वाला एग्जाम है 2021 का, उसमें आप लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करें ही नहीं, उसको अच्छे से करते जाना, दोनों टॉपिक कवर करते जाना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का सॉल्यूशन 2012 से लेकर 2020 तक का। सबसे पहले हम 2020 का पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद बाकी ईयर का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले फॉर्मेट, हेडिंग हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, और क्रेडिट साइड इनकम। ठीक है, क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे आप लोग का। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के लिए बोला रहेगा। ठीक है, ऑफ एकता क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो यहाँ जो हेडिंग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एकता क्लब, और उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2018। ठीक है, अब जो रिसिप्ट होता है, जो रिसिप्ट दिया रहेगा वो हम लोग का, उसमें से कुछ अमाउंट इनकम साइड जाता है और जो पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर साइड जाता है। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड में कैश इन हैंड दिया हुआ है। ठीक है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम लोग करेंगे तो कुछ बात ध्यान रखना है। ये हम लोग का नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब सिर्फ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड आएगा और इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड जाएगा। इसके अलावा जो भी आइटम्स है, जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, ठीक है, इन तीनों को यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखाना है। ठीक है, दूसरा कुछ भी आइटम कैपिटलाइज बोला है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इसमें सिर्फ हम लोग प्रेजेंट ईयर का जितना ट्रांजेक्शन है, जैसे अभी हम 2018 का क्वेश्चन कर रहे हैं, 2018 का जितना अमाउंट है सब यहाँ पे दिखाएंगे, और 2017 मतलब पास्ट और 2019 मतलब फ्यूचर इसमें हम नहीं दिखाएंगे। ठीक है, पहला जो कैश इन हैंड वो नहीं आएगा, क्योंकि कैश इन हैंड क्या होता है, सेट्स, कोई भी सेट्स का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना है, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो दिमाग में बैठा लेना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर है तो बैलेंस शीट में जो आइटम जाता है, जैसे सेल्स लायबिलिटी कैपिटल, वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद एडमिशन फीस है, एडमिशन फीस नॉर्मली इनकम होता है, हम लोग यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, क्योंकि हर साल स्टूडेंट से लिया जाता है और स्कूल और कॉलेज फीस, ये जो फीस है कभी भी स्टूडेंट को वापस नहीं करते हैं। लेकिन आजकल जो हम लोग का रिफंड वाला सिस्टम चल रहा है वो स्कूल और कॉलेज नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट कर रहा है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड आता है, रिसिप्ट फॉर्म बिलियर्ड रूम, किसी भी तरह का रिसिप्ट हो, अगर कोई रूम हम हायर पर दे रहे हैं, भाड़ा पर दे रहे हैं, वहाँ से हमारा कलेक्शन हो रहा है, वो हमारा इनकम होता है। ठीक है, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस में ध्यान रखना दो तरह का होता है, सिर्फ मेंबरशिप फीस दिया जाएगा वो इनकम होगा, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है वो कैपिटल आइटम होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल से प्लस होता है। उसके बाद है सेल ऑफ फर्नीचर, कोई भी सेल्स खरीदोगे बेचोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है, क्योंकि वो कोई कैश को अफेक्ट करता है। लेकिन ये सेल्स खरीदेंगे बेचेंगे यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखाना, लेकिन उस सेल्स में अगर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ सेल के टाइम में, वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। इसके अलावा कोई भी सेल्स हमारा पास बचा हुआ उसका डिप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर साइड हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, मिसकेलेनियस रिसिप्ट इनकम होता है, यहाँ पे बैठा है। अब पेमेंट साइड आता है, पेमेंट साइड हम लोग का सेल्स दिया हुआ है, खर्च होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, दिमाग में बैठा लेना है।
तो सैलरी तो हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता ही है, रेंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब हम पैसा कहीं जमा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो हमारे सेल्स होगा, कोई भी सेल्स खरीदे या बेचे, ठीक है। जो पेमेंट साइड लिखा है इसका मतलब कि हम इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। और रिसीप्ट साइड अगर दिया जाता है उसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट या कोई एसेट सेल किए हैं, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, ये सेल्स है उसको यहाँ पे नहीं दिखाना है। पोस्टेज एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड आएगा, टेलीफोन चार्ज डेबिट साइड जाएगा, बुक्स भी एक तरह का एसेट्स होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं बैठाना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर पेमेंट साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड लिखा है, इसका मतलब है कि पहले का कुछ बाकी था उसको हम करंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो दिया है कौन से अकाउंट में दिया, 2018 के अकाउंट में दिया है, 2018 में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पैड करें, इसका मतलब ये कि 2018 से पहले कुछ बाकी था उसको हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब ये पास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन, ठीक है। 2018 का है नहीं, तो 2018 तो हमने अकाउंट्स बना रहा है, इसका रूल ये होता है पास्ट वाला कोई भी आइटम नहीं लेना, तो ये अमाउंट हम लोग को यहाँ पे नहीं बैठाना है, ठीक है। लेकिन अगर वही एडजस्टमेंट में बोला रहा था कि आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, कैसी है क्लोजिंग, ये हम लोग का यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या ध्यान रखना, अगर आउटस्टैंडिंग है तो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट हम लोग करते थे आउटस्टैंडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग भी दो तरह का होता है, एक फर्स्ट डेट का और एक लास्ट डेट का, मतलब जिस ईयर का हम क्वेश्चन कर रहे हैं 31 दिसंबर 2018, ये हमारा लास्ट डेट हो गया, फर्स्ट डेट 1 जनवरी 2018, तो फर्स्ट डेट का आउटस्टैंडिंग है या लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग, उसका इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में अलग होता है, तो देख लेना कि फर्स्ट डेट का बोला है कि लास्ट डेट का बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर डेट मेंशन नहीं है मतलब वो लास्ट डेट का है, तो अगर आउटस्टैंडिंग अगर लास्ट डेट का है तो उसको ऐड करना है, और फर्स्ट डेट का है तो लेस करना है, ठीक है। इसको हम डिटेल में आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 60% ऑफ एडमिशन फीस एंड होल ऑफ लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन आर टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज्ड करने का मतलब ये हुआ कि जो एडमिशन फीस है उसमें से 60% कैपिटलाइज करना, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल में ट्रांसफर करना, और लाइफ मेंबरशिप फीस जो होगा पूरा का पूरा कैपिटलाइज हो जाएगा। ऐसे भी लाइफ मेंबरशिप फीस यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है, वो कैपिटलाइज होता है बैलेंस शीट में ही जाएगा। डेप्रिसिएशन बुक्स दिया वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं फटाफट। पहला हो गया एडमिशन फीस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी लगा हुआ है, तो बाकी का रूल क्या है, इंड का है, ऐड करना बिगिनिंग का है, साल का पहला डेट का, उसको लेस करना है, ठीक है। अब इंड का हम लोग ऐड करेंगे तो कैसे पता चला, एक क्वेश्चन में जो अमाउंट है वो इंड का है, या तो डेट मेंशन किया रहेगा या डेट मेंशन नहीं किया, डेट मेंशन नहीं किया तो एकदम क्लियर है वो इंड का ही है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ, ये हो गया हम लोग का 20,500, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ हम लोग का रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड रूम, कोई भी रूम अगर भाड़ा पे लगा कर रखे वहां से कलेक्शन होता है तो हम लोग के लिए वो इनकम हो गया, रिसिप्ट फ्रॉम बिलियर्ड्स 2,500। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, क्रेडिट साइड जाएगा, कितना हुआ 600, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ऐसे भी यहाँ पे तो हम लोग को लाइफ मेंबरशिप फीस दिखाना है नहीं, क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट बोला लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज का मतलब उसको कैपिटल में दिखाना है, और जो आइटम कैपिटल एसेट्स या लाइबिलिटीज होता है वो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाना, उसको यहाँ से हम लोग हटा लेंगे, जैसे एडमिशन फीस 60% माइनस करके हटा लेंगे, ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर एसेट्स खरीदोगे जो नहीं आया उसका फायदा हटाएगा, मिसकेलेनियस रिसिप्ट इनकम होता है,
350, ठीक है। सैलरी, अब रिसीप्ट साइड तो खत्म हो गया, सैलरी पेमेंट साइड दिया है, सैलरी ऐड कर रहे तो एक्सपेंस हो गया 6800। रेंट एक्सपेंस हो गया 8250। इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, बैलेंस शीट में जाएगा, यहाँ नहीं बैठाना। पोस्टेज खर्च, ठीक है, 1250। इसके बाद हम लोग का टेलीफोन चार्जेस, किसी भी तरह का चार्जेस खर्च डेबिट साइड 750। इसके बाद हो गया बुक्स परचेज, कोई भी बुक्स एसेट्स परचेज कर तो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है। लेकिन उस एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन है तो डेबिट साइड आएगा, जैसे एडजस्टमेंट में बोला है डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स हो गया 600। इसके बाद नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये तो नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा। फिर एडजस्टमेंट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी हम लोग सब्सक्रिप्शन के साथ ऐड कर चुके हैं, 60% एडमिशन फीस कैपिटलाइज करने वाला माइनस कर हटा दिए, होल ऑफ लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड माइनस कर दिए, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस में या इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट चल जाता है। सारा बैठाने के बाद डिफरेंस करना, ठीक है। अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, इधर आएगा सरप्लस, ठीक है। सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बाय चांस इधर बैलेंस है, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा इनकम कम है, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं। डेफिसिट का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ज्यादा टिपिकल नहीं आता, आसान सा क्वेश्चन आता है, तो बैलेंस करते हैं इसको 6800, 8250, 1250, 750, 600, 17650, 1400, 20500, 2500, 600, 350। इनकम साइड आ रहा है 25350 और एक्सपेंडिचर 17650, माइनस करोगे बैलेंस 7700, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सरप्लस। देखेंगे इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम, इसलिए हमारा सरप्लस हो, फिर टोटल बैठा लेना, टोटल आया 25350, 25350, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 2020 का पेपर का सोल्यूशन। 14 का जो क्वेश्चन है सामने आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि पिछला कुछ वीडियो में बताया थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किसका हेल्प से बनता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हेल्प से, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ साउथ इंडिया क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। हेडिंग होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब, उसके नीचे फॉर द ईयर इंडेड ऑन, फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2013, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेबिट साइड एक्सपेंडिचर आता है, जैसे कि आप लोगों को पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे और इनकम्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ सैलरी पैड, ठीक है, लाइटिंग एक्सपेंसेस, जितना भी एक्सपेंसेस लॉसेस सब क्या करेंगे डेबिट करेंगे, और जितना भी इनकम्स हो सब क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ बात हम लोग को ध्यान रखना होता है, पास्ट ईयर का फ्यूचर का कोई भी आइटम है वो हम लोग माइनस करके हटा देते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें सिर्फ नॉमिनल आइटम आता है और कैपिटल आइटम जो कि बैलेंस शीट में जाता है, कैपिटल एसेट्स लायबिलिटी, वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं बैठा है। तो कुछ पॉइंट है जो पिछला कुछ वीडियो में बताया हुआ, वो सब हम लोग को ध्यान रखना है। तो सैलरी पैड है, लाइटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस कहा है डेबिट साइड, स्टेशनरी दिया हुआ इंक्लूडिंग 400 फॉर प्रीवियस ईयर, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला 400 प्रीवियस ईयर का, पास्ट का, पास्ट का तो हम लोग यहाँ लेना नहीं है, पास्ट का कुछ भी आइटम इंक्लूड है तो माइनस करके हटाएंगे,
फ्यूचर में कुछ भी आइटम इंक्लूड है माइनस करके हटाएंगे, और प्रेजेंट ईयर जिस साल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं उस ईयर का कोई अमाउंट अगर पहले मिला हुआ है, ठीक है पहले हमको मिल चुका है लेकिन है वो प्रेजेंट ईयर का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। मतलब पास्ट का है माइनस करके हटाओ, फ्यूचर का है माइनस करके हटाओ, और प्रेजेंट ईयर का पैसा कभी भी मिला उसको हम लोग को ऐड करना है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट इंक्लूडिंग 1000 रिसीप्ट इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज एडवांस में दिया हुआ है, एडवांस मतलब फ्यूचर माइनस करेंगे इसको, एंड 754 प्रीवियस ईयर पास्ट का इसको भी क्या करेंगे माइनस करेंगे। नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, प्रोसीड्स का मतलब आय इनकम मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट पेड लोन फॉर 3 मंथ्स, यहाँ पे इंटरेस्ट 3 मंथ्स का ही पेड हुआ है। ठीक है, अब 3 मंथ्स का यहाँ टाइम का मतलब देखो क्या है, ये जो हम लोग अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर साल भर का बनाते हैं, ठीक है एक रूअल बेसिस पे बनता है, मतलब यहाँ पे जो भी हम अमाउंट बैठाएंगे वो 12 महीना का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना मंथ्स का है, 3 मंथ्स का, तो हो सकता है इसमें बात करके 9 मंथ्स का अभी भी बाकी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बैठेगा 12 महीने का बैठेगा, 12 महीना मतलब जो हमारा प्रेजेंट ईयर है 31 मई 2013 को ईयर एंड हो रहा है, जो हमारा ईयर क्वेश्चन में दिया है उस ईयर में अमाउंट यहाँ बैठाना मतलब 12 मंथ्स का। इसके बाद रेंट एंड रेट्स है इंक्लूडिंग 500 प्रीपेड, प्रीपेड मतलब एडवांस, एडवांस मतलब आने वाला टाइम का पहले पेमेंट हो गया, और एडवांस क्या करते हैं हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में माइनस करते हैं। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब सोल्व करो तो दिमाग में बैठा लेना है कि ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है आउटस्टैंडिंग बाकी अगर है तो उसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, और एडवांस उसको क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, और अगर आउटस्टैंडिंग दो दिया हुआ पहला डेट का है और आखिरी डेट का है, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ उसमें सिर्फ एक ही आउटस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, आने वाला जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लासेस होगा, लाइव क्लासेस होगा, उसमें हम लोग जो आउटस्टैंडिंग का अलग अलग ट्रीटमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल ध्यान रखना आउटस्टैंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे, प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, लोकल रेंट रिसीप्ट इनकम होता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ऑन 31 मई 2013 सब्सक्रिप्शन इन एरियर वाज 4700 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 9 मंथ्स। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सीरियल वाइज सैलरी पेड है, एक्सपेंसेस होता है, डेबिट साइड जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिमाग में बैठा लेना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस सब डेबिट होगा, तो सैलरी तो प्रॉफिट लॉस में जाता ही है। लाइटिंग एक्सपेंसेस डेबिट 5500, स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस होता है, स्टेशनरी हम लोग का दिया हुआ 4000, इसमें से एक आइटम बोला है 400 फॉर प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर का है तो लेस करेंगे फॉर प्रीवियस ईयर, कितना है 400 3600। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन जो होता है ये किसी भी क्लब सोसाइटी का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, तो ये इनकम में जाएगा, 44000 सब्सक्रिप्शन बोला हुआ है। अब सब्सक्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट और टिपिकल टॉपिक है, सब्सक्रिप्शन या किसी भी तरह का इनकम और एक्सपेंसेस में क्या ध्यान रखना है, पास्ट का है माइनस करके हटाएंगे, फ्यूचर का एडवांस है माइनस करके हटाएंगे। ठीक है, यहाँ रिसीव्ड इन एडवांस बोला है, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, कितना है 1000 है, और 754 प्रीवियस ईयर का है, लेस फॉर प्रीवियस ईयर 750। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन करंट 2014 का है तो पास्ट का और फ्यूचर का उसको हम लोग को माइनस करके हटा देना है। ठीक है, अमाउंट आएगा 44000 माइनस 1750 42250। ठीक है, और इसमें एक एडजस्टमेंट भी है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर का मतलब बाकी दिया हुआ ईयर एंड में, ईयर एंड हम लोग का ये है 31 मार्च 2013। ठीक है, यहाँ ड्यू दिया हुआ, ड्यू आउटस्टैंडिंग की चीज, आउटस्टैंडिंग में ध्यान रखना कोई भी आउटस्टैंडिंग है उसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन ऐड कब करेंगे अगर वो ईयर एंड का है तो। ठीक है, या तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहे कि ये ईयर एंड का है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन ने बोला 31 मार्च 2013 लास्ट डेट का है, लास्ट डेट का हम लोग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ, मतलब ये क्वेश्चन क्लियर है कि जो आउटस्टैंडिंग दिया हुआ इंड का है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन में डेट मेंशन कर दिया कि ये इंड का नहीं है ओपनिंग का है, मतलब ईयर एंड का, ईयर एंड हमारा 31 मार्च 2013 को हो रहा है, तो स्टार्टिंग हुआ होगा 1 अप्रैल, एक साल पहले 1 अप्रैल 2012। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2012 का बाकी दिया हुआ है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, आप स्टैंडिंग में ध्यान रखना, इंड का है क्वेश्चन में डेट बोला ही रहेगा।
ठीक है, इंड का है तो उसको ऐड करना, और एक साल पहले का है, बिगिनिंग का है तो उसको लेस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन टोटली साइलेंट है, कुछ नहीं बोला है कौन सा ईयर का ओपनिंग का है क्लोजिंग का है, तो उसको हम लोग मान के चलते हैं वो इंड का है, उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन एरियर दिया 47 है तो उसको ऐड करेंगे, ऐड सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द इंड, इंड में ड्यू हो गया 47, ठीक है 46950, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट है नेट प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब आय होता है, नेट प्रोसीड्स ऑफ रिफ्रेशमेंट रूम, रिफ्रेशमेंट रूम का नेट प्रोसीड्स आय टोटल दिया हुआ 30,000। इसके बाद मिसकेलेनियस एक्सपेंस है, छोटा मोटा खर्च है, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस जितना भी खर्च है सब डेबिट साइड 30,000। इसके बाद आ जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा वो सब डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड दिया हुआ 1200, लेकिन नीचे एक हिंट दे दिया, बोला इंटरेस्ट ऑन लोन वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 9 months इंटरेस्ट हम लोग का बाकी है, और यहाँ पे जो अमाउंट पेमेंट हुआ वो 3 months का क्वेश्चन साफ साफ होता है, ठीक है। ऐसे भी एक्रुअल बेसिस में 12 months का अमाउंट बैठाते हैं, 3 months का हम ऐड कर चुके हैं यानी 9 months का बाकी है, तो 9 months का इंटरेस्ट ऐड कर लेना है, ऐड इंटरेस्ट ड्यू। और 9 months का कैसे निकालेंगे, 120 3 months का तो डिवाइड बाई 3, 1200 डिवाइड बाई 3 4500। इसमें बोला है लेस प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड 4000 माइनस कर लेना, अगर एडवांस है माइनस कर लेंगे, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग ड्यू इंड का है ऐड करते हैं, और स्टार्टिंग का है ईयर का स्टार्टिंग का, तो उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, उसी तरह से प्रीपेड एडवांस है क्वेश्चन एडवांस बोला तो माइनस करेंगे, लेकिन एडवांस माइनस कब होगा अगर इंड का है, इस क्वेश्चन में डेट नहीं बोला इसका मतलब है इंड का है माइनस होगा, और अगर बिगिनिंग का है तो उसको क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। इसके बाद लोकर रेंट रिसीव्ड दिया हुआ, लोकर रेंट रिसीव्ड, ठीक है, इनकम होगा 4900। इसके बाद क्या करेंगे दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, जो डिफरेंस आया इधर अगर डिफरेंस आया तो उसको बोलते हैं सरप्लस, सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज्यादा होगा ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा तो बैलेंस इधर है उसको सरप्लस बोलेंगे, और इधर बाई चांस बैलेंस आ गया तो उसको बोलेंगे डेफिसिट, ठीक है। तो बैलेंस करते हैं यहाँ 46950 प्लस 30,000 प्लस 4900, इधर का टोटल आ रहा है 81850 इनकम साइड का, और एक्सपेंसिस में 55,000 5500 3600 30,000 4800 4000, इधर आ रहा है एक्सपेंडिचर साइड 1,02,900, मतलब एक्सपेंडिचर हम लोग का ज्यादा है, ठीक है। तो सरप्लस नहीं निकलेगा डेफिसिट निकलेगा, डेफिसिट आएगा 1,02,900 माइनस 81,850, इसको बोलेंगे एक्सेस ऑफ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2014 का, फिर टोटल कर लेना 1,02,900, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2016 का क्वेश्चन पे, 2016 का क्वेश्चन सामने आप लोग का स्क्रीन पे है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015 एंड अदर डिटेल्स ऑफ शंकरदेव क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2015। इसमें देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेट मेन है, ठीक है। रिसिप्ट दिया हुआ पेमेंट दिया, मतलब रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, रिसिप्ट में कैश इन हैंड सब्सक्रिप्शन 14, 15, 16, सेल ऑफ न्यूज पेपर लाइफ मेंबरशिप फीस डोनेशन डोनेशन फॉर बिल्डिंग इंटरेस्ट मेंशन ग्रांट, और पेमेंट साइड है सैलरी ऑनरेरियम ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग रेंट स्कॉलरशिप और फाइनली कैश का क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
आउटस्टैंडिंग सैलरी सब्सक्रिप्शन फॉर 2015 400 रिसीप्ट इन 2014। ठीक है, ये सर ऐसा क्वेश्चन जिसमें लगभग सारा पॉइंट है, इसको अगर समझ गया तो समझ लो पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं। हेडिंग होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ शंकरदेव क्लब। नीचे फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31st December 2015 और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर अमाउंट और क्रेडिट साइड इनकम अमाउंट। ठीक है, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करने के टाइम में कुछ बेसिक बात है, बस वही ध्यान रखना। पहला तो ईयर, हम लोग का ईयर इंड 31st December 2015, इस डेट को ईयर इंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा ईयर, एक साल पहले मतलब 1st January 2015, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर, इस ईयर का हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बांधना है। पहले तो ईयर अलग कर लेना। ठीक है, दूसरा बात दिमाग में बैठा लेना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मतलब इसमें सिर्फ नॉमिनल आइटम जो रिवेन्यू नेचर का होता वही आएगा, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल से जुड़ा हुआ कोई भी आइटम यहाँ पे हम लोग को नहीं बैठाना है। ठीक है, कोई भी कैपिटल आइटम यहाँ पे नहीं आएगा। पास्ट ईयर कोई भी है अमाउंट अगर इंक्लूड किया हुआ ऐड किया तो उसको माइनस करके हटा देना है, और अगर अलग से पास्ट ईयर कोई भी आइटम दिया उसको नहीं लेना है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर का कुछ भी है उसको भी नहीं लेना है, और प्रेजेंट ईयर का कोई भी अमाउंट, प्रेजेंट ईयर मतलब 15 का कोई भी अमाउंट अगर पहले मिला हुआ है तो वो सब हम लोग को यहाँ पे ऐड जाता है, मतलब पास्ट को हटाना है, फ्यूचर को हटाना है, प्रेजेंट वाले को लेना है। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आप कुछ अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले रिसीप्ट साइड से स्टार्ट करें, रिसीप्ट साइड का जो अमाउंट है वो इनकम साइड जाता है, लेकिन कौन कौन सा अमाउंट कैश इन हैंड वो नहीं जाएगा, कैश एडवांस को नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट का आइटम है, वो एसेट्स का बैलेंस हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है यहाँ पे आएगा, लेकिन क्वेश्चन जो 16 का है 2016 उसका जो क्वेश्चन है 14, 15, 16 तीन अमाउंट दिया हुआ है, तो हम लोग को पास्ट मतलब 14 का लेना नहीं है, प्रेजेंट ईयर मतलब 15 का सारा अमाउंट लेना, और 16 का 2000 उसको हम लोग को लेना नहीं है, तो यहाँ पे आया 20,000 प्रेजेंट ईयर का। और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है नीचे में दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन बाकी बोला है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोला हो चाहे एक्सपेंसेस या इनकम, अगर इंड का है तो ऐड करना, बिगिनिंग का है तो लेस करना, मतलब 31st December 2015 का है तो ऐड करेंगे, और 1st January 2015 का है फर्स्ट डेट का ओपनिंग बैलेंस है तो उसको लेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में डेट नहीं बताया हुआ, डेट नहीं बताया मतलब वो इंड का, उसको ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2500 ऐड हुआ ड्यू एट द इंड, जनवरी का होता है उसको माइनस करते हैं 22,500। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन में एक और एडजस्टमेंट है, सब्सक्रिप्शन पर 2015 मतलब प्रेजेंट ईयर जिस हिसाब का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ₹400 रिसीव्ड इन 2014। ठीक है, 2014 मतलब पास्ट ईयर में मिल गया, लेकिन है कौन से ईयर का, प्रेजेंट ईयर का है। ठीक है, तो प्रेजेंट ईयर का कभी भी पैसा मिले वो सब का सब ऐड होगा, और पास्ट ईयर का और फ्यूचर का कुछ भी अमाउंट हो लेस करके हटा देंगे उसको। ठीक है, तो 400 यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा For 2015, received in 2014. ठीक है, ये हो गया हम लोग का 22,900। सब्सक्रिप्शन का काम खत्म। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कोई भी स्क्रिप्ट बेच रहे हो, ठीक है, वो सब इनकम हो गया, लेकिन वही एसेट्स बेचोगे तो वह इनकम नहीं, वो नहीं आएगा। एसेट्स बेचोगे जैसे मान लो फर्नीचर है 10,000 का, उसको हम बिक्री किए तो सेल ऑफ फर्नीचर यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसमें बिक्री के टाइम कुछ लॉस हो गया वो बैठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर 10,000 का हम बेचे 8,000 में, तो 2,000 का लॉस हो गया वो हम डेबिट साइड बैठाएंगे, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, याद रखने के बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर 100 हुआ। लाइफ मेंबरशिप फीस, मेंबरशिप फीस में ध्यान रखना दो तरह का होता है, सिंपल मेंबरशिप फीस इनकम होता है, क्रेडिट साइड बैठाएंगे, लेकिन अगर लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया
5000, तो ये ऐसा अमाउंट जो एक बार ही मिलेगा, उसके बाद फिर कभी नहीं मिलने वाला। इस तरह का आइटम को कैपिटलाइज किया जाता है, मतलब बैलेंस शीट में कैपिटल से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर मतलब प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे। उसके बाद डोनेशन है, डोनेशन भी दो तरह का होता है। सिर्फ डोनेशन होगा जो कि इनकम यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्लांट मशीनरी, डोनेशन ऐसा आइटम को मिला जो कि बैलेंस शीट में जाता है, तो हम लोग को यहाँ पे नहीं बैठाना, वो स्पेशल डोनेशन हो गया। ठीक है, तो नीचे डोनेशन फॉर बिल्डिंग है और नहीं आएगा। इंटरेस्ट इनकम होता है, अगर रिसिप्ट हुआ तो पैड हुआ तो एक्सपेंस, रिसिप्ट दिया हुआ इनकम होगा 200 का। ठीक है, और यहाँ पे जैसा पिछला क्वेश्चन में था, टाइम बताया रहा था, सपोज इंटरेस्ट 6 महीने का बोला रहा था, तो बाद बाकी 6 महीना लास्ट ट्रेनिंग निकाल तो उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट, ग्रांट जो गवर्नमेंट से हेल्प मिलता है। दो तरह का ग्रांट होता है, कैपिटल ग्रांट, मेंटेनेंस ग्रांट। मेंटेनेंस ग्रांट यहाँ पे आएगा क्योंकि इनकम हो गया, और कैपिटल ग्रांट मेनली एसेट्स के लिए मिलता है, वो हम लोग यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, 3000 इसी साइड खत्म। पेमेंट साइड में सैलरीज एक्सपेंस होता है, सैलरीज दिया हुआ है 14000। अब इसका एडजस्टमेंट एक बोला हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग हम लोग क्या करते हैं या बाकी क्या करेंगे, इनकम हो चाहे एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग बोला है तो उसको ऐड करेंगे। ऐड कब करेंगे, अगर वो इंड का है तो। इस क्वेश्चन बोला है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, लेकिन ये नहीं बोला है कि 1 जनवरी का है कि 31 दिसंबर का, मतलब वो पेनिंग है कि क्लोजिंग है। ठीक है, कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग मान के चलेंगे क्लोजिंग है, उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब वही आउटस्टैंडिंग सैलरी क्वेश्चन में बोला रहा था कि 1 जनवरी का है, मतलब जिस साल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग का है, तो स्टार्टिंग का अगर आउटस्टैंडिंग दिया तो उसको माइनस किया जाता है, और एंड का अगर आउटस्टैंडिंग बाकी कुछ भी दिया उसको हम लोग प्लस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनरेरियम, ऐसा अमाउंट जो किसी गेस्ट को इनवाइट करते हैं उनको पेमेंट किया जाता है, 3000 ऑनरेरियम। के बाद है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2000, जितना भी खर्च लाइन से डेबिट करते जाना। फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 5000, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस और कहीं का स्पोर्ट्स मटेरियल दिया गया, स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पे नहीं बैठाते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल अगर क्वेश्चन में है उसका डिप्रिसिएशन है तो डिप्रिसिएशन बैठेगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस का मतलब तो नॉमिनल आइटम का खर्च वो तो आएगा, लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल जैसे क्रिकेट बैट, ठीक है, कैरम बोर्ड, वो सब खरीद रहे, वो सब हमारे एसेट्स होता है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा हम FD करें, जमा करें, वो हम लोग को नहीं बैठाना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं आएगा। रेंट खर्च होता है, आएगा रेंट 2000। इसके बाद है स्कॉलरशिप, ठीक है, पेमेंट साइड मतलब खर्च है, आएगा। और लास्ट हम लोग कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया, तो जो कोई भी आइटम जो बैलेंस शीट में जाता है, कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज और उसका बैलेंस है ओपनिंग चाहे क्लोजिंग, वो यहाँ पे हम लोग नहीं बैठाएंगे। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट खत्म, अब बैलेंस करते हैं। इधर बैलेंस है तो सरप्लस, ठीक है, सरप्लस का मतलब एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम है तो सरप्लस, और इधर बैलेंस है तो डेफिसिट। ठीक है, 22,900 प्लस 100, इधर का टोटल 32,200 इनकम, और एक्सपेंसेस में हो गया 15,000 प्लस 28,000, डिफरेंस आ रहा 4,200 का, इधर आएगा 4,200 सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 32,200। ठीक है, ये 2016 क्वेश्चन हुआ। अब हम 2018 का क्वेश्चन समझा रहे थे, उसको खुद से टाइप करना। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का क्वेश्चन हम लोग करना है। एंड अदर डिटेल्स ऑफ काजीरंगा स्पोर्ट्स क्लब प्रिपेयर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। रिसीप्ट साइड में कैश इन हैंड है, वो तो यहाँ पे नहीं आता है। सब्सक्रिप्शन 15, 16, 16, 17, 17, 18 दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट को 15, 16 का मतलब समझ में नहीं आता। 15, 16 का मतलब हुआ कि 1 अप्रैल 2015 से
31 मार्च 2016, इसको हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट में 15-16, फिर 16-17 दिया और 17-18 दिया हुआ है। ठीक है, 16-17 का मतलब 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, और जो क्वेश्चन है हम लोग ईयर एंड बोला 31 मार्च 2017 मतलब स्टार्टिंग हुआ होगा 1 अप्रैल 2016 को, तो 16-17 का क्वेश्चन दिया हुआ और 15-16 हम लोग का पास्ट ईयर हो गया और 17-18 फ्यूचर हो गया। तो वही यहाँ पे तीन अमाउंट है, 15-16 पास्ट ईयर का, 16-17 करंट ईयर का, 17-18 फ्यूचर का। तो हम लोग को सिर्फ करंट ईयर का लेना 30,000। डोनेशन रिसीप्ट साइड आएगा, सॉरी इनकम साइड आएगा, इंटरेस्ट इनकम साइड आएगा। डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया वो नहीं आता है यहाँ पे, लाइफ मेंबरशिप फीस वो नहीं आता है। ठीक है, पेमेंट साइड जाओगे तो सैलरी जाओ, सैलरी 8,000, एक्सपेंसेस डेबिट साइड ऑनरेरियम एक्सपेंसेस, इसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आएगा यहाँ पे, रेंट एक्सपेंसेस और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, परचेज ऑफ फर्नीचर कोई भी सेट्स खरीदो बेचो यहाँ पे नहीं आता है। एसेट्स का सिर्फ प्रॉफिट और लॉस आता है, प्रॉफिट लॉस का मतलब बिक्री किया तो कुछ घाटा कुछ फायदा हो गया। ठीक है, या डेप्रिसिएशन वही हम लोग को यहाँ पे बैठाना। ठीक है, और लास्ट कैश का क्लोजिंग बैलेंस वो नहीं आएगा। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग से, आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं अगर ईंड का है तो ऐड करेंगे और साल का स्टार्टिंग का है तो उसको लेस करेंगे। ठीक है, डेट नहीं मेंशन किया उसका मतलब साल का आखिरी डेट का उसको ऐड करना था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग से क्या ऐड होगा और प्रीपेड हम लोग क्या करते हैं लेस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 का खुद से करना है। अब लोग क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन जो हम लोग का है ऐप में जितना भी ईयर का पास्ट एग्जाम का पेपर सब दिया हुआ, साथ साथ सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, पूरा कंप्लीट नोट्स है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट आते हैं 2012 का क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग टाइप का। दो हजार बारह का क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का ही अमाउंट दिया था और बोला था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे अभी हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के लिए सेट बैठाया तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन इनकम लिखेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। अब इनकम कैसे लिखते हैं हम लोग, पास्ट ईयर का अमाउंट हटा देंगे, फ्यूचर का कोई अमाउंट उसको हटा देंगे। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वही करते हैं, और आउटस्टैंडिंग है फर्स्ट डेट का है और लास्ट डेट का है, तो फर्स्ट डेट वाला हम लोग माइनस करते हैं और लास्ट डेट वाला ऐड करते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग में क्या करना है, लास्ट का है तो ऐड करना है और स्टार्टिंग का है तो लेस करना। इस क्वेश्चन में आप लोगों के टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एसर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट सेट कितना दिखाना है, सीधा सा क्वेश्चन है, सिर्फ सब्सक्रिप्शन ही दिखाना है, 5 नंबर का, 3 लाइन का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग डे जितना रिसीव्ड हुआ 11,750 और ब्रैकेट में बोला है इंक्लूडिंग रुपीज 1,000 फॉर 2011। बोला ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो 2012 को बनाना है उसमें सब्सक्रिप्शन का कितना दिखाएंगे, और नीचे क्या बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है उसमें से 1,000 रुपया 2011 का है मतलब पास्ट का है, और 500 2013 का मतलब फ्यूचर का, दोनों क्या करेंगे माइनस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2011 पास्ट 2011 में मिला था फॉर 2012 प्रेजेंट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का आइटम प्लस होता है, एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग क्या देखना है कि जिस साल का हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका इंड का है कि बिगिनिंग का है, इंड का तो ऐड बिगिनिंग का है तो लेस। ठीक है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ तो सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन इनकम हम लोग कितना दिखाएंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, जितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जितना मिला है, यहां बोला 11,750, इसे लेस करेंगे, ब्रैकेट में बोला कि 2011 का 1000 है, माइनस फोर 2011 1000, फिर 2013 का भी है 4 2013 ये कितना है 500, इसको भी माइनस करेंगे तो आएगा 10,250। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2011 फॉर 2012 2011 में कैसा मिला है, पास्ट ईयर में मिला है, अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं 2012 में कर रहे हैं, मतलब 12 हमारा प्रेजेंट हो गया, 11 हमारा पास्ट, पास्ट में पैसा मिला है लेकिन कौन सी ईयर का, प्रेजेंट ईयर का, तो प्रेजेंट ईयर का जितना भी आइटम होगा सब यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है,
और पास्ट और फ्यूचर का जितना भी होगा सब माइनस, फॉर 2000 का रिसीव्ड इन 2011, ठीक है 700। इसके बाद लास्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में ध्यान रखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोले इनकम बोले ड्यू बोले एक ही चीज है, इंड का है कि बिगिनिंग का, ये देख लेना है ठीक है। यहाँ बोला 31 दिसंबर 2012, जिस साल का क्वेश्चन करो उसका साल का आखिरी डेट का, आखिरी डेट का है, इंड का है, ऐड करेंगे कितना है 900, ठीक है। वही अगर बिगिनिंग का होता मतलब 1 जनवरी का होता उसको क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो आउटस्टैंडिंग इंड का ऐड होगा और बिगिनिंग का क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस कब करेंगे अगर बिगिनिंग का बोला है तो, मतलब साल का पहला डेट का। ड्यू आउटस्टैंडिंग एक ही चीज है और एडवांस है प्रीपेड है, एडवांस प्रीपेड सेम चीज होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन उल्टा हो जाता है, इंड का अगर है तो माइनस करेंगे और बिगिनिंग का है तो प्लस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन अगर साइलेंट डेट नहीं बताया होता वो इंड का ही होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं जहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं।